नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं 10 रुपये के 3 डिफरेंट तरह के बंडल्स। आज हम जानेंगे इनकी सही कीमत। 10 रुपये के 3 तरह के बंडल्स हैं, इनको क्या कहते हैं और इनकी क्या है सही कीमत, तो देखते रहिए ज्ञान गंगा की इस वीडियो को। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ 10 रुपी पिकॉक इशू। 10 रुपी पिकॉक इशू जो ये 90s के आसपास का इशू है, इससे पहले भी आता रहा है, पर ये पर्टिकुलर बंडल जो आप देख रहे हैं इसके अंदर RN मल्होत्रा के सिग्नेचर हैं। इसके अंदर KR पुरी, S जगन्नाथन और आपके वेंकट रमन, RN मल्होत्रा, इन सब के सिग्नेचर ही आते हैं। ये सब जो गवर्नर रहे हैं इनके सिग्नेचर के साथ ये बंडल आता है। आप ये देख पा रहे हैं 10 रुपी का, ये पिकॉक का है। इसको पिकॉक बंडल क्यों कहते हैं तो आप बैक साइड में चेक कर सकते हैं इस बंडल के। तो इस पे पिकॉक बैठे हैं, एक ये देखिए। इसके अंदर काफ़ी सारी मिथ्स हैं कि इसके अंदर एक आता है 5 पिकॉक, 3 पिकॉक, तो ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब नकली होते हैं। जो ओरिजिनल है वो सिर्फ है जिसके अंदर 2 पिकॉक आते हैं। ये देखिए, सिर्फ यही एक ओरिजिनल है, बाकी सब झूठ है। देखिए ध्यान से देखिए आप इसके अंदर। और एक कंडीशन जो आप देख रहे हैं बंडल की, अगर इस कंडीशन में है तो इसकी क्या वैल्यू है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे वीडियो के अंत में। इसके बाद बात करते हैं हम 10 रुपये के बोट वाले बंडल के बारे में। ये 10 रुपये का बोट का फुल पैकेट है, सीरियल पैकेट है। इस पर भी RN मल्होत्रा के सिग्नेचर हैं। इसके अंदर भी KR पुरी, S जगन्नाथन एंड आपके वेंकट रमन के सिग्नेचर आते हैं। और ये देखिए ध्यान से, इसमें अशोक स्तंभ है यहाँ पर, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये अशोक स्तंभ है। और अगर मैं इसको पलट देता हूँ तो इसके अंदर बोट है, जो नाव है वो एक सिंगल नाव है। इसमें लोग डिमांड करते हैं कि 2 बोट वाला चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। जो बंडल आप देख रहे हैं सिर्फ वही है ओरिजिनल, बाकी जो 2 बोट वाले लोग डिमांड करते हैं या सेल करते हैं वो सब फेक होता है। इसके बाद हम बात करते हैं शालीमार इशू, इसको बोलते हैं हम शालीमार इशू। ये भी 10 रुपी का ही बंडल है। ये लेटर इशू है, आफ्टर 1990 के बाद ये आना शुरू हुआ और ये आता रहा 2000 तक। तो ये है सी रंगराजन के सिग्नेचर हैं इसके अंदर, आप देख पा रहे हैं सी रंगराजन। ये भी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे हैं। तो इसमें अगर आप बैक साइड में जाएंगे तो ये देखिए शालीमार गार्डन है, तो इसीलिए इसको हम शालीमार इशू भी कहते हैं। ये भी 10 रुपये का नोट है। और ये 3 डिफरेंट वैरायटी के मैंने आपको बंडल्स दिखाए। अब इन 3 डिफरेंट वैरायटीज़ के बंडल्स का प्राइस क्या होना चाहिए आज की डेट में, और ये बढ़ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि कुछ दिनों पहले इसका प्राइस कम था और आज मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसका प्राइस बढ़ गया है। ये 10 रुपये का बंडल जो पिकॉक वाला है, इसकी कीमत अब हो गई है 3 से 4 हज़ार रुपये के बीच में, अगर ये है टॉप कंडीशन में। अगर ये है टॉप कंडीशन में तो इसकी कीमत हो गई है 3 से 4 हज़ार रुपये। इसके बाद बात करते हैं ब्लैक बोर्ड बंडल की। ब्लैक बोर्ड बंडल जो पहले मिलता था 1800 से 2500 के बीच, अब मिल रहा है 3000 से 3500 रुपये के बीच में, तो इसकी कीमत भी बढ़ गई है और ये कलेक्टिबल्स में आ गया है। इसके बाद बात करते हैं शालीमार बंडल की। शालीमार बंडल की प्राइसेस अभी कम हैं, ये आपको मिल सकता है 1500 से 2000 रुपये में, अगर ये हो अच्छी कंडीशन में। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जाकर कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें और जो घंटी है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएँ। थैंक यू, धन्यवाद।